नमस्कार मॉर्निंग बॉस को आपन को स्वागत करू छु स्मृति लग्ना देखिबा हेडलाइंस। पश्चिमबंग राज्य चतुर्थ पर्याय मतदान 44 सीट पई भाग्य निर्धारण करिवे मतदाता कोरोना कटकणा सह कड़ा सुरक्षा रे चालछु वोट। मास्क नहीं कड़ाकड़ी हला नियम मुहरे मास्क नथिले 2002 थर नियम भांगिले 5000 राज्य रे 14 दिनिया मास्क अभियान मुकाबला पई राज्यवासी को सहयोग लोडिले मुख्यमंत्री। ओडिशा को अपमान मंत्री अशोक पंडा को बितंडा जुक्ति निर्वाचन प्रचार रे कोटिया प्रश्न पचारने कोटिया रे आंध्र रो निर्वाचन बेले मुहामुही होइतिले पुलिस एवं लोक प्रतिनिधि वायरल वीडियो को ने सब उद्वेग। आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेउरा को आक्रमण पछरे विलेन किए तीन जन को गिरफ परे भी ना कहुनी पुलिस गिरफ व्यक्ति को नहीं बढ़ला सस्पेंस कहा को सुरक्षा देउचंती टीम राहुल। पिपिली रे प्रसंग माळमाळ वर्ष वर्षर समस्या को नहीं चासिंग कर हल्ला बोल विरोधी कहले होईछि अवहेला पुरंदेश्वरी पर मैदान को ओह्लैबे बीजेडी सुप्रीमो ग्राउंड जीरो रे टीम अगस। चिलिकारे शुद्ध पानीय जल स्वप्न महंगा खरा दिने जल पाई ग्रामवासी कष्ट भोगुछंती पाइप बिछाई काम सारी देछि प्रशासन नदी पानी पिउथबारु व्यापुछि रोग। तातिरु मिलिला आश्वस्ति विभिन्न स्थान रे कालबैशाखी वर्षार प्रभाव 40 डिग्री तले सबु जिलार तापमात्रा सुंदरगढ़ रे सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री रेक। आईपीएल महासमर विजय अभियान आरंभ कला बैंगलोर रोमांचकर मैच रे मुंबई इंडियंस को 2 विकेट रे हराइला आरसीबी। एबे संपूर्ण खबर को आसीबा भयंकर हेउची कोरोनार द्वितीय स्ट्रेन राज्य रे दैनिक संक्रमितों संख्या बढ़ुची ए संख्या एवं 1000 पार होईची जहाँ राज्यवासी को सतर्क करिछन्ते मुख्यमंत्री। आसंता 14 दिन पर्यंत समस्ते मास्क परिधान करने कोरोना कटकणा पालन करने को परामर्श देते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आजिठ 14 दिन पर्यंत राज्य में मास्क अभियान कोरोना लड़ाई सहयोग लोड़े मुख्यमंत्री। सरकार बाहर जगी मां माने घरे जगत राज्यवासी उद्देश्य वीडियो बार्ता देले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आज 14 दिनिया मास्क अभियान जो माने मास्क न पिंधे से देवाक दुईगुणा जरिमाना। एवं कोविड द्वितीय लहर आरंभ हो जहां बहुत शीघ्र व्यापुची पूर्व अपेक्षा अधिक मारात्मक बोली कहते विशेषज्ञ। कोरोनार द्वितीय लहर को देखी विभिन्न राज्य में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लागू हो सारा। जदि आम कोविड नियम मानिबा ताहले संक्रमण को निश्चय रोकी हेबो। बिना मास्क रे घर न बाहर को परामर्श देते मुख्यमंत्री। एबे कोविड द्वितीय लहर आरंभ हेलानी या बहुत शीघ्र व्यापुची आम देश अनेक राज्य लॉकडाउन शटडाउन नाइट कर्फ्यू आरंभ हेलानी किंतु आमे जदि कोविड नियम मानिबा मास्क ठीक भावे पिंधिबा तेबे बिना लॉकडाउन रे कोरोना संक्रमण को रोकी पारिबा। एथिपाई आज ठारु 14 दिन पर्यंत आमे समस्ते मिसी मास्क अभियान आरंभ करिबा। 14 दिन जदि आमे कोनोसी जिनिष को कड़ाकड़ी भाव पालन करिबा तेबे ताहा सबुदिन पाई एक अभ्यास रे परिणत हो जीवो। आमे समस्ते आज थारु संकल्प नहीं ठीक भाव मास्क पिंधिबा बेकरे झुलाई करी नुहे पूरा नाक और मुह को कवर करी पिंधिबा। बिना मास्क रे केबे भी घरु बाहरिबा नहीं तेबे जाए आमे कोरोना को जीति पारिबा। राज्य रे हजारे टपिछि दैनिक संक्रमण आज 1282 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। क्वारंटाइन रु 755 और लोकल केस 527 चिन्हट होइछन्ति। आज सुंदरगढ़ रु सर्वाधिक 224 रहिछन्ति। कोरोना रे गंजाम जिलार जणे व्यक्तिंकर मृत्यु होइथिबा जणा पडिछि। नुआ स्ट्रेन को नै सतर्क करिछन्ति परिवार कल्याण निर्देशक कहिछन्ति टीका केवल रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइथाय। टीका नैथिबा लोक भी सचेतन होइ कोविड नियम मानिबा दरकार। टिटलागढ़ जणे व्यक्ति 2 डोज टीका नेबा परे मध्य मृत्यु होबार खबर आसिछि।
राज्य में एवं कोविशील्ड 3.2 लाख टीका और कोवैक्सीन 1 लाख रही। गतकाली 872 सेंटर में 1,32,000 टीकाकरण आज सुधा मोट 39,84,878 टीकाकरण जी टीका गच्छित अच्छी अनुसार टीकाकरण कार्यक्रम चालू रही। गतकाली 802 जो थी कि आम 1,32,872 जन व्यक्ति को टीकाकरण कलु। सो कालीर टीकाकरण को मिसे समुदाय आज पर्यंत आम 39,84,878 जन टीका नेले जे कोरोना हेबनी से जो भ्रम धारणा अच्छी से समस्ते मनरू बाहर करदे उचित। कारण वैक्सीन नेला वैक्सीन अर्थ हो आम देह भितर आंटीबॉडी तैयारी कर एवं से संक्रमण को केमती प्रिवेंट कर तार अर्थ ना ताको संक्रमण हेब ना किंतु संक्रमण हेले तार सीरीयसनेसटा कम रहइबो सीवियर नइपारे डेथ नइपारे। किंतु वैक्सीन नहीं बोली जदि से आमर कोविड प्रोटोकॉल न मानिबो ताहाले निश्चित भाव रिस्क रहुचि। राज्य में बढ़ुतिबा कोरोना संक्रमण को नजर रखी सीमारे कड़ा नजर रखिछन्ति सरकार। सेथिपई छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्यरे चालुथिबा गाड़ी चलाचल बंद रहिछि। कोरोना वैक्सीन रो 2टी डोज नैथिबा व्यक्ति को ओडिशा को अनुमति मिलबो। जदि ट्रेन बस किबा विमान रे आसुथिबा ताहाले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक करिछन्ति राज्य सरकार। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्य सीमांत सुरक्षा अपेक्षा पिपिली उपनिर्वाचन शासक बीजेडी गुरुत्वपूर्ण आउ एने प्रश्न पचारे मंत्री अशोक पंडा करुछन्ति बितंडा जुक्ति। खोद ओडिशा माटी में आंध्रर पुलिस जयपुर कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति गणतंत्र पाठ पढ़ाइबा परे ओडिशा एहाकु नै प्रकाश पाई प्रतिक्रिया आउ एभले एक स्थिति रे बीजेडी बितंडा जुक्ति एबे बड़ रही देखन्तु। शुणिले तो सीमांत आंध्रर दादागिरी आंध्र पुलिस ओडिशार लोक प्रतिनिधि को अपमान करुछी। शासक विजु जनता दल पड़ी पिपिली उपनिर्वाचन प्रचार सीमांत जिला को जबरदखल कला आंध्र हेले राज्य सरकार मंत्री को ए संपर्क में प्रतिक्रिया पचारे केमिते निर्वाचन पाठ पढ़ाऊ मंत्री अशोक पंडा आउ थे शुणु। इलेक्शन पचारेटा कह ठीक सत्य जमिति पिपिली उपनिर्वाचन मंत्री कर बा मर परिस्थिति पलटि राज्य में अन्य राज्यर पुलिस आसी दादागिरी करुछि विरोधी दलर विधायकों को गणतंत्र पाठ पढ़ाऊ मंत्री कहते मु आसी निर्वाचन प्रचार को ये केवल कह निर्वाचन कथा आंध्र पुलिस जयपुर कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति गणतंत्र पाठ पढ़ाऊ ओडिशा माटी रे छिड़ा हुई आंध्र पुलिस करुछंती दादागिरी। आंध्र पुलिस रो उत्पात एत्ते बढ़ी जाय छी जे ओडिशा रो विधायक को नाली आखी देखाइबा को पछाउ नहंती। राज्य जन विधायक प्रति एभली अपमान सत्वे मुह खोलु नहंती राज्य सरकार आ प्रश्न पचारे सीमांत थारो उपनिर्वाचन प्रचार मंत्री को पाई होई छी गुरुत्वपूर्ण सीमा असुरक्षित पड़ोसी राज्य माने राज्यर लोक प्रतिनिधि को अपमान करुछंती आ एभली स्थिति रे राज्य सरकार निरवता को नै प्रश्न उठाई विरोधी बीजेपी व कांग्रेस। तो निजे कोटिया जाइथिली पाटसलन जाइथिली ये कला दिवस 13 तारीख दिन फेब्रुआरी 13 ओडिशा पे एक कला दिवस थिला जो दिन आंध्र सेठी वोट करैला लोकंकु मौलिक सुविधा राज्य सरकार दौ नाइ उपांत अंचल रे प्रधानमंत्री आवास योजना से पाउ नांती से पानी पाउ नांती इलेक्ट्रिक पाउ नांती जदि आंध्र इलेक्ट्रिक देला आंध्र पानी देला लोकंकर कोन भूल लोक तो आंध्र मुहाउछन तेणु ये सरकार कुंभकर्ण निद्रा शोचंती लोकंकर मौलिक सुविधा प्रति नजर दौना ये सरकार बीजेडी सरकार सीमा सुरक्षित ना केवल आंध्र नुहे छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंग ये तो सबुतक सीमा असुरक्षित अच्छे। ओडिशा सरकार जाणि रखा उचित जे कोटियावासी आम सहित नहांतीशा सरकार जाणि रखा उचित जो आंध्रा पुलिस सीधा सड़क आसी से दमन आरंभ कले
ଏବଂ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାଲି ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏସ୍ପି ଆସି ସେଠାରେ ବିସ୍କେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କେତେ ସିରିୟସ୍। ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ, ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ କଲେଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 44 ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 44 ଆସନରେ ମତଦାନ ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମତଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, 44 ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 5 ଜିଲ୍ଲାର 44 ଆସନରେ ମତଦାନ ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 373 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର କୋଚ୍ ବେହେରା ଏବଂ ଆଲିପୁରଦାର ଜିଲ୍ଲା, ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ହାଓଡ଼ା, ହୁଗୁଳିରେ 44 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। 15,940 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, 3 ଫେଜ୍ ନିର୍ବାଚନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 44 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସକାଳ 7 ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ହାଓଡ଼ା 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହାଓଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ତା ଭିତରୁ 9 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ 24 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 11 ଏବଂ ଅଲିପୁରଦରରେ ରହିଛି 5, ତା ସହିତ କୁଚବେହେରରେ ରହିଛି 9 ଏବଂ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଯୋଉ ରହିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 1,15,81,022 ଜଣ ଭୋଟର ଆଜି ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳେ ଭୋଟିଂ ସରିବ ଜଣାପଡିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟିଂ ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ 1,15,81,000 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି 58,82,514 ଜଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି 56,98,218 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବା ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି 290 ଜଣ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 373 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର ମାନେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ପୂର୍ବତନ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଯୋଉ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥରର ଲଢେଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କହିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଯଦି ପୂର୍ବ 2016 ନିର୍ବାଚନ କଥା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଠି ବିଜେପିର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏତେଟା ଯୋଉ ନଜର ଆସିନଥିଲା ବା ବିଜେପି ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିଟ୍ ଜିତିପାରିନଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିଲା ସିପିଆଇଏମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସିପିଆଇଏମ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଯୋଉ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହାୱା, ଅଲଗା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ଏଠାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସାଧାରଣତଃ
दीदी आउ दादा भितर लड़ाई एमती गोटे देखिबाक मिलुछि विशेष भाव दीदी कह जाउछि ममता बनर्जी को और दादा कह जाउछि निश्चित भाव रे गोटे पक्षरे टीएमसी रो रहिछि नारा जे खेला होबे अपर पक्षरे बीजेपी रो नारा रहिछि परिवर्तन को कथा को लोक माने अपनाउछंती आस्था कहा उपर देखुछंती से उपर त नजर रहिबो एवं सबुठो रोचक पूर्ण स्थिति रे वर्तमान पश्चिमबंग राजनीति रहिछि कारण कांटे का टक्कर हेउछि एवं जेभळी भाव रे प्रचार मैदान को दुई जण ओल्हाई जेभली भाव में रणहुंकार देते ए सब कथ को नहीं चर्चा होता समस्त नजर देशवासी पश्चिमबंग उपर रही तेरे चतुर्थ पर्याय भोटदान चली बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना प्रदीप्त आरटीआई कर्मी तथा बीजेपी नेता सर्वेश्वर बेउरा बोमामाड़ घटन किए मुख्य षड्यंत्री पुलिस तीन जन को गिरफ्त कर कथा कहते भी कहीं नाम प्रकाश कले क्या सुरक्षा पाई एसपी एमती कले जहां साधारण प्रश्न उठिता बेले एवं पुणि थे बद को आसी जाजपुर एसपी पी आर राहुल मानकर परिचय आम वर्तमान देवुनु सेटा इन्वेस्टिगेशन को टिके हैम्पर करी पारे एज सून एज पॉसिबल आम शेयर कर पूरे एसपी ये जो नुआ आईपीसी पढ़ुचंति नुआ जितु बलवंत राय आईपीसी सीआरपीसी से जो काम करुचंति सेई कारणरु से पारु नाहंती विधायक प्रणय बलवंत राय को निर्देश रे काम करुचंति जाजपुर एसपी पीआर राहुल बीजेपी नेता तथा आरटीआई कर्मी सर्वेश्वर बेउरांको उपरे बोमा माड़ करितिबा घटनार मुख्य षड्यंत्रकारी को घंट घोड़ाउछंते टीम राहुल विधायक प्रणव बलवंत राय को इशारा रे एपरी काम करी गिरफ तीन जन ना प्रकाश कले नाही बोली अभिजो करिछंती साधारण जनता आउ जहाकु नै पुणी थरे विवाद को आसीछंती जाजपुर एसपी पीआर राहुल सर्वेश्वर बेउरांको उपरे बोमा माड़ घटनारे विवाद को आसीछंती धर्मशाला विधायक प्रणव बलवंत राय प्रणव बलवंत राय विरोध में संगीन अभियोग आनी खुद सर्वेश्वर पत्नी आउ थाना रे भी दायर होई एतला जाजपुर पुलिस लागी जाई विधायकों सुरक्षा रे आउ निज आड़ एतला दे षड्यंत्रकारी को खसाई देवा को पुलिस प्रयास करुछि बोली अभियोग होई कहीं गिरफ तीन अभियुक्त ना गणमाध्यम आगे प्रकाश कले नहीं एसपी राहुल गिरफ होइतिबा व्यक्तिंकर रहिछि कि पॉलिटिकल लिंक सत खोलिबा भय रहिछि कि सर्वेश्वरंक परिवार पक्षरु दिया जाइतिला एतला पुलिस ग्रहण कला कि तीनि जण गिरफ होइतिबा बळे आउ केते जण अछन्ति यहा पछरे प्रमाणित कले 13 दिन 14 दिन परे जे साधारण मूल्या श्रेणीर लोकंकु धरियाणी तांकु आजि हत्याकारी सजै दैछन्ति आउ प्रकृत दोषी जो माने प्रच्छद पटर नायक जो माने विजु जनता दल नेता मंत्री तेरे संप्रति अच्छा धरवाई जाजपुर एसपी साहस जुटे पारना डंकारी बिछा खटी आरुआ अंचल कला पथर लुट बालीघाट निलामी रामकोर बेआईन जमी जबरदखल वीएलडब्ल्यू स्मितराणी हत्या मामला आवास योजन महाकेलेंकारी साधारण बंटन व्यवस्था अनियमितता पी प्रसंग को लोकलोचन को आनी चर्चा को आसी सर्वेश्वर सर्वेश्वरंक एपरी काम सरकार माफिया और प्रशासनिक अधिकारी को पकाइथिला अडुआरे आउ एपरी नेतांकु जीवनरु मारिबाकु किए करिथिला षड्यंत्र आउ एही षड्यंत्र पछर खळनायक जणा ना अजणा एहाकु नै एबे पुलिसर कार्य उपरे उठिछि प्रश्न जेतेबेले आज एसपी लुचेकि रखुछन्ति काली जो मानकु गिरफ करछन्ति सेमानकर तथ्य निश्चित भाबरे कोर्टरु बाहरि पडिबो किंतु एसपी ए कथाकु लुचेकि रखिबार कौन तर भितरी उद्देश्य जमापड़ना कि से आनी फेर तक छाड़देवे फेर को नुआ लोक पुरेदे मानने सरकारी दल और सरकारी कलर प्रभाव में चापरे जदि ये पारती एंदेह न था बीजेडी दल एम एल ए नेता मंत्री चापर एसपी यू कार्य कर आम चाहूँ यहाँ से लोक ना ओपन कर जे दंडी माने दोषी दंड दिया जाउ जाजपुर धर्मशाला रो विवादियो मामू भणचा घाई घाई रे डायनामाइट लगाई विस्फोरण करा जाइतिबार आसीथला अफिचो विवाद को आसीथिले खोद विधायक प्रणव बलवंत राय आउ से समय रे मध्य किछि लोकंकु गिरफ करा जाइतिबा नै कहितला प्रशासन हेले किए गिरफ हेला तार ठिकणा एबे बे समस्तंकु अचल जाजपुर रो परमेश्वर बेउरियांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
ତାତିରୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାତିର ପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ କମ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାତିରୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାତିର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। आईपीएल महासमर प्रथम मैच रे दमदार विजय हासिल करिछि बेंगलोर। विपक्षी दल मुंबई को 2 विकेट रे हराई दल चलित आईपीएल रो प्रथम विजय हासिल करिछि। तबे मैच शेष पर्यंत बेस रोचकपूर्ण रहितबा देखिबा को मिलिथिला। प्रथमे टॉस जीती आरसीबी अधिनायक विराट कोहली बोलिंग निष्पत्ति नेथिले। एहा परे बैटिंग करबा को पडिया को ओल्हाइथिला मुंबई। दल पक्षरु रोहित एवं लिन बैटिंग करबा को आसीथिले। दुहे जबरदस्त आरंभ करथिले मध्य रोहित दुर्भाग्यजनक भाबरे रन आउट होई पैविलियन फेरिथिले। एहा परे सूर्य कुमार यादव ईशान किसान क्रिस लिन कर दमदार इनिंग्स बलरे मुंबई 169 रन करि पारथिला। ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई सुशांत साहू फोन लाइन ने जोड़ी होई छथि हम प्रतिनिधि। सुशांत किभळी देखिबा आईपीएल महासमर आरंभ होई छ एवं विजय अभियान रु बेंगलोर आरंभ करि छ समर। देखंतु स्मृति लग्ना काली मैच कथा जदि देखिबा काली मैच सबटु गोटे रोमांचकर मैच कहले अचुट होबनि काहेकि ना आपण देखिथिबे मैच टी शेष बोलले जाई फिनिश हेतला। प्रथम गोटे टाइम रे मुंबई इंडियंस जिते बैटिंग करुला जिते बेला 16 ओवर 135 रन करुला 4 विकेट हरेला। कितु जदि लास्ट ओवर कह लास्ट ओवर से मात्र 1 रन करुला 3 विकेट हरेला। ताफल शेष 4 ओवर मात्र 23 रन संग्रह करुला। फल जो भी आशा करा मुंबई इंडियंस एक 180+ स्कोर करिवो किंतु ताहा करि पार नथिला 169 करिवाकु सक्षम होइथिला। आउ गोटे कथा कहि रखिबि हर्षल पटेल जे प्रथम जो ओवर बोलिंग करथिले 15 रन देथिले किंतु तांको शेष 3 ओवर जो भी बोलिंग करते मात्र 12 रन दे 5टा विकेट अक्तिर करने सह 4 ओवर 27 रन दे 5टी विकेट नहीं प्रथम बोलर जे कि मुंबई इंडियंस टीम एग्नेस्ट रे 5टी विकेट नहीं। पूर्वर यही रेकर्ड था जे वर्तमान मुंबई इंडियंस कैप्टेन रही रोहित शर्मा से जिते बड़े 2009 मसीह डेकान चार्जर्स खेलते से मुंबई इंडियंस विपक्ष में 9 रन में 4टी विकेट नहीं से मुंबई इंडियंस विपक्ष में सब सर्वश्रेष्ठ फिगर था। अपरपक्ष जिते बड़े आरसीबी बैटिंग करिया गसिला आरसीबी रो मध्य देखिबा प्रथमे स्टार्ट मध्ये बहुत स्लो थिला। अन्य पक्षरे जेतो बडे रेगुलर आपण देखिबे विराट कोहली आउट होले तापरे मैक्सवेल किछि व्यवधान पर आउट होय जायथिले एवं डानियल क्रिस्टियन मध्ये सहळ आउट होय जायथिले। सेतो बडे मध्ये मैच टी मुंबई आडुक मध्ये ढळथिला किंतु एबी डिविलियर्स गोटे पटे क्रीज रे रही जोबोले विस्फोटक ढंगरे तांको इनिंग्स खेळथिले एवं जाकि शेष ओवर जाकि रन आउट होयथिले किंतु मैच टी सेतो बडे मुंबई हातरु से नै छारथिले। से मध्ये 27 बॉल लु 4टी चौका और 2टी छक्का सहित 48 रन रो विस्फोटक इनिंग्स खेलते जहाँफल मैच टी आरसीबी विजय हासिल करती। आपण यही सीजन नुह 2013 सीजन रु वर्तमान सुधा सीजन देखा सबु सीजन में मुंबई इंडियंस तार प्रथम मैच पराजय बरण करती किंतु तथापि पांच थर से मध्ये ट्रॉफी जीते पारे। अपरपक्ष आज मैच कथा कह आज मैच टी हूँ गुरु और शिष्य का टक्कर। आम सर्वदा कही था जो MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी जी की इंडिया लीजेंड लीजेंड सी बोध चेन्नई सुपर किंग्स जर्सी देखा मिले तथा चेन्नई दल को पुणी आउ थे जो चिन्ह रईना फेरी सहित अनेक रवीन उत्थापा जयन होती दल आहरी शक्तिशाली होती। अने पक्ष कह जो श्रेयस अय्यर बाद पड़ला पर ऋषभ पंत गोटे नुआ अधिनायक दायित्व मिली और दिल्ली कैपिटाल्स दल युव प्रतिभा को लेकिन अच्छे युव प्रतिभा भरपूर अच्छे आज मैच टी का मैच भी रोमांचकर हो आशा कर स्मृति लग्ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कालीरो मैच भली आज मध्ये रोमांचकर हेबो बोली आशा करा जाउची। सुशांत रहितला हम प्रतिनिधि जे अधिक सूचना दोथले आईपीएल को नै। मॉर्निंग बॉस को इठो के बाबे दा दियंतु। नमस्कार।